तो हम अभी हैं प्राचीन देलखंड के प्राचीन सिद्ध ठाकुर बाबा मंदिर में, और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या है। और अभी प्रसाद ले लिया है, जस्ट प्रसाद चढ़ाएंगे हमारे हनुमान जी को। देखिए आपको दर्शन भी कराते हैं और काफ़ी अच्छा आपको डेवलपमेंट होने लगा है, ये कुछ तरह पहले नहीं था जो आपको दिखाया था। हनुमान जी खुद ही मिल गए हैं बैठे हुए, ये देखिए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, तब तक हम यहाँ लाइन दिख रहे हैं जो नीचे, कम से कम कुछ नहीं तो 60 फुट नीचे तो होगी। यहाँ से कोई ट्रेन अगर गुजरती है ना, यहाँ से कोई अगर ट्रेन गुजरती है ना नीचे से, तो उसको विजल बजाना जरूरी रहता है। और वाहनों का भी यही काम रहता है कि विसल बजा के ही निकले। ठाकुर बाबा के यहाँ सलामी दी जाती है ट्रेन से, क्योंकि काफ़ी यार अगर इंडियन ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो दुर्घटना हुई है, इसलिए विसल बजाने का काम चलता रहता है। देखिए ट्रक निकला उसने भी बजाया, देखिए ठाकुर बाबा की सलामी, जय ठाकुर बाबा। यही इम्पोर्टेंस रह गई थी आप लोगों के लिए, बाकी पूरा कम्प्लीट हुआ। कभी शायद तीसरी लाइन का कंजेक्शन चालू है, तीसरी लाइन बनने वाली ऊपर से काम चालू है, वहाँ पे अभी खुदाई चल रही है, बस इस तरीके से है। तरीके के कुछ अपने ठाकुर बाबा विराजमान हैं यहाँ, और बहुत कुछ देखने लायक है। आप लोग पहले एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। वो देखिए प्राचीन ऊपर मंदिर बन रहा है नया वाला, तो दिख रहा होगा। चलो ऊपर ही लेके दिखाते हैं आपको किस तरीके का कुछ बनने वाला है। ये देखिए यहाँ यहाँ भी एक मंदिर है हमारे भोलेनाथ के, शिवरात्रि के यहाँ बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद चलते हैं आगे की वीडियो बनाते हैं। ये बैठे हैं हमारे बाहर, देख ये रहे हमारे बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। उनको दिखाओ तो पूरे लेके भाग जाए। हाँ देखो पकड़ो एक सेकंड, हमको आ जा रहा जी। बाय बाय बजरंग वाली तो यही है। अब तो रख लो, अब तो ले नहीं तर भी डॉल लगा के चलो। वो लोग आप थोड़ी मिल रहा है तुम्हें, तो खड़े हो गए देख लो। ये देखिए दोस्तों बजरंग वाली प्रसाद खाते हुए हमारे, ये देखिए जय बजरंग वाली, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नया वाला मंदिर बन रहा है, आप देख सकते हैं कुछ तरह हनुमान जी की मूर्ति यहाँ भी विराजमान होगी तो आप। और यहाँ से देखिए आप लोग चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल पूरे में, और वहाँ तक जंगल ही जंगल, पहाड़ चारों तरफ। तो कुछ इस तरीके से लोग भी आइए, मैंने तो दर्शन कर लिए बजरंग बली के अपने बालाजी महाराज, सॉरी कुछ भी बोलते हैं अपन तो कुछ ही बोल सकते हैं बजरंग बली के लिए, हम तो बालाजी बोलते हैं, कुछ ही बोल देते हैं। बट आप लोग एक बार दर्शन जरूर कीजिए, आइए यहाँ पे खूब खूबसूरत
मंदिर है, प्राचीन है, और यहाँ एक मान्यता है जो आप मांगते हो वो आपको मिल जाएगा। एक बार आइए, अपनी अर्जी जरूर लगाइए, हमारे बालाजी आप सब, हम सबके बालाजी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब और देखते हैं माँ दुर्गा की मूर्ति भी है सामने वाले मंदिर में, वो भी दिखाते हैं आपको। ये सामने दुर्गा माँ का मंदिर, चलिए आपको दुर्गा माता के दर्शन भी कराते हैं। और यहाँ पे बंदर बहुत हैं, आप लोग संभल के अपना, बंदर बहुत ज़्यादा है। आपने अभी देखा जैसे वीडियो में मैंने प्रसाद तो खिलाया, बस उनसे थोड़ा सावधान रहें, अपने मोबाइल कैमरा को संभाल के रखें, वरना आपका पार्सल वर्स लेके भाग जाए तो भाई मेरी जवाबदारी तो नहीं है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर, बहुत ही ज़्यादा हर जगह मिल जाएंगे आपको। उस तरफ दिखाते हैं पूजा का, हम लोग जय माता, ये देखिए, जय माता रानी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ दुर्गा के। और यहाँ पे मुर्गे भी काफ़ी हैं जो छोड़े जाते हैं मान्यता के साथ, इसकी इच्छा पूरी हो जाती है, मुर्गा छोड़ दिया जाता है। ये देखिए कुछ तरीके से घूमते रहते हैं, और काफ़ी जगह तो बहुत ही कम जगह हुई हैं ऐसी जहाँ पे मुर्गे और बंदर और काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये लगा हमारे मीठी नीम का पेड़, काफ़ी अच्छा लग रहा। और कंस्ट्रक्शन काम यहाँ भी चालू है, दुकानें वगैरह बन रही हैं, और आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ जंगल और पहाड़ी दिखेगा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है इसलिए, और दुर्गा माँ के सामने जस्ट कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और ये रही दुकानें, प्रसाद वगैरह कुछ भी सामान आपको चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। वो वाला मंदिर में किसकी मूर्ति रखी जाएगी वो आपको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊँगा, अगले ब्लॉग उसी मंदिर का बनेगा। और ये रही यहाँ पे धर्मशाला सामने, यहाँ पे आप अगर शादी वगैरह कुछ करते हैं तो यहाँ पे आपको सुविधा है, सुविधा अनुसार आपको सब काम हो जाएगा किसी के यहाँ पे, क्योंकि हर साल यहाँ पे हजारों शादियाँ भी होती है, सम्मेलन वगैरह होता रहता है। और यहाँ पे देखिए कितना नेचुरल तरीके में जंगल फैला हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है अभी। तो ऐसे ही था अपने ठाकुर बाबा टेम्पल, और आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और अपनी अगर किसी की कोई इच्छा है तो मेरी तो दुआ है कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, विजिट करें, और हमारे बालाजी के यहाँ अपनी अर्जी लगाएं। जय श्री राम। चलिए आपको धर्मशाला वो क्या बोलते हुए दिखा दिया जाए, प्रांगण बना हुआ है शादी समारोह के लिए कुछ भी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अभी मैं काफ़ी जगह जाने वाला हूँ, बुंदेलखंड की प्रसिद्ध जगह है, और आपको और अच्छी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, अभी के लिए बाय बाय।